अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस सादिक एंड आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 10 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि है पार्शियल फ्रैक्शंस का। तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस को पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड उनको करेंगे। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। पार्शियल फ्रैक्शंस की डेफिनेशन को देखने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस हैं उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पॉलीनोमियल्स को एक दफ़ा देख लेते हैं। पॉलीनोमियल्स हमारे पास ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हो और उनमें जो ऑपरेशन है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का हो रहा हो। तो यहाँ पे एक पॉलीनोमियल लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स, ये एक जनरल फॉर्म है पॉलीनोमियल की। अब यहाँ पे जो एक्स की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, एन, और जितने भी ये ए आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखा जा सकता है सबसे पहले ए एन जो कि कांस्टेंट है मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स नॉट से। अब एक्स नॉट किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो वो वन होता है। इसी तरह ये हमारे पास थ्रू आउट चलता जा रहा है, कहाँ तक, ए नॉट इंटू एक्स रेज टू द पावर एन तक। अब यहाँ पे सबसे पहले देखा जा सकता है अगर एक पॉलीनोमियल कंसिडर कर लें जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसकी हाइएस्ट जो पावर है वो क्या है, टू, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए एन माइनस टू इंटू एक्स स्क्वेयर। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक पॉलीनोमियल है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई एक ऐसे पॉलीनोमियल की जिसमें जो एक्स की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, टू है। और ये देखा जा सकता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले दो चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि वो क्या होती हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पॉलीनोमियल है जिसमें जो एक्स की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, वन। अब यहाँ पे एग्जांपल है एक पॉलीनोमियल लिया गया है विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन किस तरह की इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो उसकी हाइएस्ट पावर क्या हो, वन हो। देन अगेन एक पॉलीनोमियल कंसिडर किया गया है जो कि सिर्फ एक कॉन्स्टेंट के इक्वल है। यहाँ पे लेट्स से वो पॉलीनोमियल जो कॉन्स्टेंट के इक्वल है वो आ गया है और वो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, फोर के इक्वल। तो ये भी हमारे पास एक पॉलीनोमियल की ही टाइप है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिग्रीज को, डिग्री क्या होता है। अब एक पॉलीनोमियल यहाँ पे लिखा गया है ऑफ डिग्री टू का। अब यहाँ पे डिग्री टू का मतलब क्या है, जो एक्स की हाईएस्ट पावर है या फिर जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, टू है। तो यहाँ पे ये जो पॉलीनोमियल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व, इसकी डिग्री क्या है, टू। इसी तरह नेक्स्ट पॉलीनोमियल है x प्लस नाइन, इसकी डिग्री क्या है, वन है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जिसमें पॉलीनोमियल है x क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें डिग्री क्या है हमारे पास पॉलीनोमियल की, थ्री। तो ये था एक पॉलीनोमियल का छोटा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर फोर में डेफिनेशन है पहली उसको करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है फ्रैक्शन की। अब फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, दो नंबर्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कोशेंट को फ्रैक्शन कहते हैं। और जो फ्रैक्शन है उसमें जो कोशेंट है उसकी इंडिकेशन बार की हेल्प से करते हैं। ये चीज़ हम पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जो डिवाइडेंड होता है वो बार के ऊपर आता है जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और डिवाइज़र बार के नीचे आता है जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस टू ओवर एक्स माइनस टू। अब ये दोनों हमारे पास क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं या फिर कह सकते हैं दोनों पॉलीनोमियल्स हैं। जो न्यूमरेटर में हमारे पास ये पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री टू है और डिनोमिनेटर में पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री वन है। अब ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आ सकता। अब उसके लिए क्या होगा, एक्स माइनस टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और जब इसको जीरो के इक्वल अगर रख देते हैं तो x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा और x इज इक्वल टू टू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में x को टू के इक्वल नहीं रख सकते, बिकॉज अगर x हमारे पास टू के इक्वल हो जाएगा तो इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा और एक ये अनडिफाइंड फ्रैक्शन बन जाएगा। तो ये थी हमारे पास फ्रैक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रैक्शन की टाइप है वो है रैशनल फ्रैक्शन। अब रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है उसको पढ़ लेते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन
एक्स ओवर डी एक्स वेयर एन एक्स एंड डी एक्स आर पॉलिनोमियल्स इन एक्स विथ रियल कोफिशेंट्स एंड डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। अब हमारे पास अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो, पॉलिनोमियल्स हो, और जो डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल ना हो, देन इस टाइप के फ्रैक्शन को कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल में देखा जा सकता है। एग्जाम्पल है पहली वाली एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। अब हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, और जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन बन गया। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल फ्रैक्शन है। यहाँ पे न्यूमरेटर में देखा जा सकता है एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री वन, और डिनोमिनेटर में हमारे पास अगेन एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री टू। अब इसकी डिग्री टू कैसे है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसी तरह बाकी टर्म्स में हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो है टू, तो जो डिनोमिनेटर में हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, टू है। अब ये जो पॉलिनोमियल है जो डिनोमिनेटर में है इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये भी हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं रैशनल फ्रैक्शन की टाइप्स को। तो रैशनल फ्रैक्शन की जो पहली टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रैशनल फ्रैक्शन एन एक्स ओवर डी एक्स विद डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एन एक्स इन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डी एक्स इन द डिनोमिनेटर। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, तो जो न्यूमरेटर में हमारे पास पॉलिनोमियल है अगर उसकी डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से कम है, देन इस टाइप के फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है उनको देखते हैं। जो सबसे पहली एग्जांपल है वो है 2 ओवर x प्लस वन। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखा जा सकता है 2, ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें जो x की पावर है हाईएस्ट वो क्या है, 0। तो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है या फिर जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी, 0। और डिनोमिनेटर में देखा जा सकता है एक लीनियर एक्सप्रेशन है जिसमें हाईएस्ट जो डिग्री है एक्स की वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो डिग्री है वो न्यूमरेटर की डिग्री से ज़्यादा बड़ी है, तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 2x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। न्यूमरेटर में यहाँ पे देखा जा सकता है जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो है 1 है, और डिनोमिनेटर में जो डिग्री है वो है 2, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। एंड जो एग्जांपल नंबर 3 है वो क्या है, 3x स्क्वायर ओवर x क्यूब प्लस 1। यहाँ पे भी न्यूमरेटर में जो डिग्री है वो 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, 3। ये हमारे पास अगेन एग्जांपल आ गई एक प्रॉपर फ्रैक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल फ्रैक्शन की सेकेंड टाइप जो कि है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, अ रैशनल फ्रैक्शन एन एक्स ओवर डी एक्स विद डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डी एक्स। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन गिवन है तो उसके न्यूमरेटर की अगर डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा हो जाए या फिर उसके इक्वल हो जाए, देन हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। जो पहली एग्जाम्पल है वो है 5x ओवर x प्लस 2। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में जो डिग्री है वो क्या है, 1 है, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री 1 है, या फिर कह सकते हैं दोनों की डिग्रीज इक्वल हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब यहाँ पे भी न्यूमरेटर में देखा जा सकता है जो डिग्री है न्यूमरेटर की वो क्या है, 2 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, वो भी 2 है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल्स हैं उन दोनों की डिग्रीज इक्वल हो गई हैं, तो हमारे पास ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर है,
न्यूमरेटर में क्या डिग्री है हमारे पास पॉलिनोमियल की, 4, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 3। तो ये भी हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। रिगार्डिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिवीजन टू द सम ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है एक पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इसका मतलब क्या हुआ, इफ डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर देन वी कैन डिवाइड nx बाय dx कंटेनिंग ऑब्टेनिंग अ कोशेंट पॉलिनोमियल qx एंड अ रिमाइंडर पॉलिनोमियल rx हुज डिग्री इज लेस देन द डिग्री ऑफ dx। अब इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है तो अगर हम उसमें जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर से, जब भी हम कोई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या फिर दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं हमारे पास एक कोशेंट आता है और एक रिमाइंडर आ जाता है, उनकी डिग्रीज जो होंगी वो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है उससे लेस ही होंगी। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एक पॉलिनोमियल एंड एक प्रॉपर फ्रैक्शन का सम। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, सबसे पहले अब यहाँ पे देखते हैं जो जनरल फॉर्म लिखी हुई है एन एक्स ओवर डी एक्स किसके इक्वल है, कोशेंट। कोशेंट क्या होता है, डिवाइड करने के बाद जो सोल्यूशन आता है, प्लस आर एक्स। आर एक्स यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर पॉलिनोमियल ओवर डी एक्स विथ डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो वेयर क्यू एक्स इज कोशेंट पॉलिनोमियल एंड आर एक्स ओवर डी एक्स इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी जो आर एक्स ओवर डी एक्स है ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा और ये प्लस हो रहा है किसके साथ, एक पॉलिनोमियल के साथ। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये देखा जा सकता है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री क्या है, 2, और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, 1 है। न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर है तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। अब इसको रिड्यूस करेंगे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स माइनस वन प्लस टू ओवर एक्स प्लस वन। इसको हम सॉल्व भी करेंगे अभी। अब इसके अंदर देखा जा सकता है ये एक्स माइनस वन जो है ये एक पॉलिनोमियल बन गया प्लस टू ओवर एक्स प्लस वन विच इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया बिकॉज न्यूमरेटर में देखा जा सकता है जो डिग्री है न्यूमरेटर की वो क्या है, 0, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक पॉलिनोमियल प्लस अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन हैज बीन रिजॉल्व्ड टू अ कोशेंट पॉलिनोमियल क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब ये हमारे पास क्या है, क्यू एक्स एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन 2 ओवर एक्स प्लस वन, एंड 2 ओवर एक्स प्लस वन क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और दोनों के सम आ गया यहाँ पे। अब इसको एक दफ़ा सॉल्व भी करके देख लेते हैं क्या यही रिजल्ट आता है। तो हमारे पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन। अब इसके अंदर देखा जा सकता है जो एन एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और जो डी एक्स है वो क्या है, एक्स प्लस वन। अब इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर एक्स प्लस वन आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो डिवाइडेंड है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और जो डिवाइजर है वो है एक्स प्लस वन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से जो कंसेप्ट है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डिवीजन का वो भी क्लियर हो जाएगा एक दफ़ा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड वन इंटू एक्स इज एक्स। तो यहाँ पे प्लस एक्स लिख लेते हैं। अब हम क्या करते थे, साइंस इनके चेंज करते थे एंड देन ऐड कर देते थे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जीरो एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू माइनस वन इज माइनस एक्स एंड वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन,
इनके साइंस चेंज हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे, ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे एंड 1 + 1 = 2। तो हमारे पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था वो किसके इक्वल आ जाएगा, x² + 1 / x + 1। ये किसके इक्वल आ गया, सबसे पहले x-1 जो कि कोशेंट है वो आ जाएगा, प्लस देन हमारे पास क्या आता है रिमाइंडर विच इज 2 ओवर डिवाइजर। अब डिवाइजर यहाँ पे क्या है, x + 1। तो हमने जो ऊपर एग्जाम्पल की थी उसको हमने यहाँ पे डिवाइड करके वेरीफाई कर लिया है। हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था x² + 1 / x + 1, वो किस में रिड्यूस हो गया, एक पॉलीनोमियल में प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब पॉलीनोमियल यहाँ पे क्या है x-1 एंड प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है 2 / x + 1, और दरमियान में हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। तो इस तरह हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। तो हमारे पास है एग्जांपल 1। अब इसमें क्या है, रिजॉल्व द फ्रैक्शन x³ - x² + x + 1 / x² + 5 * प्रॉपर फ्रैक्शन। ये है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। अब इसके अंदर हम इनको डिवाइड कर देंगे और इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइडिंग क्या है, x³ - x² + x + 1 एंड डिवाइजर है x² + 5। सबसे पहले x² + 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, x के साथ, x² * x = x³ एंड 5 * x = 5x। तो यहाँ पे 5x लिख लेते हैं। अब इनके साइंस चेंज हो जाएंगे एंड एडिशन हो जाएगी, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा x³ से, और बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं। ये आ जाएगा -x² - 5x + x = -4x + 1। अब हम x² + 5 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, x² * -1 = -x², 5 * -1 = -5। अब यहाँ पे इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी हमारे पास आ जाएगा -4x + 6। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास कोशेंट आ जाएगा x-1 + देन हमारे पास क्या आएगा रिमाइंडर विच इज -4x + 6 ओवर डिवाइजर विच इज x² + 5। ये हमारे पास बन गया एक प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये किस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनाया था, x³ - x² + x + 1 / x² + 5। तो लेफ्ट हैंड साइड पे था हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब हमने इस पे लॉन्ग डिवीजन का मेथड अप्लाई किया हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बना दिया, और प्रॉपर फ्रैक्शन आया हमारे पास -4x + 6 / x² + 5। तो ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया, जिसमें हमारे पास कुछ डेफिनेशंस थी, हमने उनको स्टडी किया। सबसे पहले हमने फ्रैक्शंस को देखा एंड देन जो फ्रैक्शंस की टाइप्स हैं उनको पढ़ा, जिसमें रैशनल फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस थे। और उसके अलावा हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो देन उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, और कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।